इतनी मारा मारी है ना यहाँ पे पार्किंग के लिए आधा घंटा। तो अभी ऐसे सोचा बस डाउनटाउन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते। ओ भाई डुप्लेक्स भाई क्या है? इतनी मारा मारी है ना यहाँ पे पार्किंग के लिए आधा घंटा यहाँ चक्कर मारता रहा तब जाके इधर पार्किंग मिली है। यहाँ तो घर है यहाँ पे, यहाँ डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है। तो अब हम आए हैं बॉलीवुड थिएटर, इंडियन फास्ट फूड यहाँ का काफ़ी फेमस है, तो ट्राई करते हैं। सारे यहाँ के लोग नेटिव लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक भी इंडियन नहीं दिख रहा। या तो ये बहुत बेकार है, बहुत अच्छा है, वो इंडियन है। और वो चल रही है यहाँ मूवी देख ले, भैया गाना चल रहा है सोनू की रिट्टी। वाह लिखा है टेलीग्राम से देव नाम यार एक्सेप्टेड। किधर तुम टेलीग्राम किसको भेजो, एड्रेस भी तो ये है भाई मेन्यू, भेल पूड़ी, वड़ा पाव, काठी रोल, पाव भाजी, भिंडी एंड ये चाय मैंगो लस्सी। मैंने मंगाई है ये पाव भाजी और मसाला चाय, ये अच्छी बात है। इन्होंने ये मैंगो पल का बॉक्स यूज किया यूटेंसिल्स के लिए। खाना पीना हो गया, चाय वाज वेरी गुड, पाव भाजी वाज ओके ओके, ज़्यादा मज़ा नहीं आया पर ज़्यादा हैवी खाया नहीं, रात को थोड़ा दबा के खाएंगे। एक और इंडियन रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है यहाँ पे, तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड एक एवेन्यू है जहाँ पे काफ़ी सारे फूड ट्रक्स होते हैं, तो वहाँ जाने का प्लान है। तो दिस इज़ पोर्टलैंड डाउनटाउन और जो मेरे पीछे है ये है फिफ्थ एवेन्यू। इस पूरी रोड को एवेन्यू कहते हैं, इस रोड को स्ट्रीट, तो ये जगह का नाम है फिफ्थ एवेन्यू। हाँ तो ये जगह का नाम है फिफ्थ एवेन्यू फूड ट्रक पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत लाइन से बहुत सारे फेमस फूड ट्रक्स हैं, तो एक आध ट्राई कर सकते हैं एंड काफ़ी फेमस है ये, वन ऑफ द गुड टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। कौन सी है यार, ये भी शुरू होते ही खत्म हो गया। मुझे लगा थोड़ी बड़ी सी लेन होगी, अलग से लिखा होता कि वर्थ विजिटिंग है, ऐसा लाइन है फूड ट्रक्स की। तो चार पांच है मेरे ऑफिस के भी बाहर ऐसे, तो उसको भी लेबल कर दो टूरिस्ट स्पॉट। किसी का तो दरवाजा खुला है यहाँ पे, रैंप बहुत चल रही है यहाँ पे। ये मिस्टर बीन वाली गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ पे भी तीन और फूड ट्रक हैं, चाइनीज है, दो चाइनीज है, एक मेक्सिकन। इन लोगों को भी बोलो वहीं लगा लो भाई अपने, यहाँ पे सब है। तो अभी ऐसे सोचा बस डाउनटाउन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। डाउनटाउन पोर्टलैंड काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रहा है। जो डाउनटाउन वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट हुआ था अमेरिकन डिक्शनरी में सबसे पहले, मैनहट्टन सिटी में, न्यूयॉर्क के। पहले डाउनटाउन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मैनहट्टन को डाउनटाउन बोलने लगे लोग एंड धीरे धीरे हर सिटी में डाउनटाउन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पे स्ट्रीट में नंबर्स हैं, जैसे फिफ्थ स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, जैसे जैसे कन्वर्ज होते हैं ना एंड दे कम डाउन टू फर्स्ट स्ट्रीट, तो जो एरिया आता है एक मेन उसको डाउनटाउन बोल देते हैं। तो हर सिटी का अपना एक डाउनटाउन है,
something like that. Like 4th Avenue, 3rd Avenue आया तो 1st Avenue और 2nd Avenue जब आया तो उसको downtown area बोल दिया. तो ऐसे करके downtown area बोलते हैं. Downtown area is supposed to be the most posh area, unlike some other cities like LA, जहाँ पे Beverly Hills वगैरह बहुत ज़्यादा posh है. बट ये काफ़ी अच्छी, मतलब Oregon वैसे तो इतना डेवलप नहीं है, बट Portland is the one of the cities which is very much developed. तो ये अच्छा सा पार्क था, यहाँ देख रहे हैं जाके. ये बंदा क्या करना चाह रहा है, इसने सूसू कर दिया, ये देख भी नहीं रहा. डिसकनेक्टेड पार्क है बहुत, एंड घास भी ढंग से नहीं उगी हुई. यहाँ पे थोड़े झूले हैं. ये झूले देख के बचपन किया था, स्लाइड स्विंग तो मैं पक्का झूलूँगा. करके दिखाना पूरा. आई डोंट नो ब्रो. वाह 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 वाह, इतना आसान है ये बच्चे. वो अच्छा है ये ऐसे चलने का, रस्सी से बंधा हुआ है. नहीं ना दाई क्या कसूर बजा. हाँ यहाँ पे भी काफी सही ग्राफिटी पेंटिंग्स हैं. पूरी बाइक गैंग आ गई है यहाँ पे और ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है बीच में. तो आ जाओ ये बंदा वो रेस क्यों दे रहा है बार बार. तो यहाँ पे मैं जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने तब भी बताया था कि ओरेगॉन में सेल्स टैक्स नहीं है, तो कुछ भी महंगा आइटम खरीदना ना तो यहाँ आके खरीदते लोग. तो एटलीस्ट जो लोग वाशिंगटन में रहते हैं, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि ओरेगॉन आ जाओ कुछ ले लो, या किसी के घर पर शिप करा दो, या यहाँ से एप्पल स्टोर पर आके पिकअप कर लो. तो वो 10% स्टेट टैक्स जो लगता है, या कैलिफोर्निया में जो 9.99% स्टेट टैक्स लगता है वो नहीं लगता. तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं. यहाँ पे गिफ्ट शॉप में आया अभी, फ्रिज मैगनेट देखने. ये ऑफर कितना है, ऑफर ही नहीं है यार. तो यहाँ पे कुछ पसंद तो आ नहीं रहा तो दूसरी गिफ्ट शॉप ट्राई करते हैं. ऑफर भी नहीं है मल्टीपल मैगनेट्स खरीदने पर. नाइकी पे कौन सी ऑफर चलेगी भाई? बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे देख के. और ये ट्रैम स्टेशन देख के, और टाइम बार ट्रैम देखी मैंने. आई फ्रीक्वेंट ट्रैम्स, आई थिंक SF में है, LA में भी जगह तो बनी हुई है. दिस इज पाइनियर प्लेस मॉल, यहाँ पे गिफ्ट शॉप होनी चाहिए कोई. पर यहाँ तो लुई विटॉन और कुछ जैसे दूसरी गिफ्ट शॉप में है. यहाँ देखते हैं, ये नहीं है क्या वाले? हाँ ये हैं अच्छे, बट ऑफर है इन पे. ये दो फ्रिज मैगनेट लिए यहाँ से, और कितना अच्छा लग रहा है बिना सेल्स टैक्स के. इस शॉप का नाम है मेड इन ओरेगॉन, एंड उन्होंने भगा दिया, बोल दिया 2 मिनट में मॉल बंद हो रहा, भागो यहाँ से. फाइनली मॉल से थक्का मार कर निकाल देने के बाद गाड़ी की तरफ जाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे, उसके बाद एयरबीएनबी में चेक इन करेंगे. अबे ये बॉल कौन छोड़ गया? गोल्फ की बॉल. अरे किसी ने मारी होगी, इधर आ गई भाई, बच गई गाड़ी. वो गोल्फ क्लब से इधर. फाइनली अभी आया है गांधी इंडियन रेस्टोरेंट, खाली लग रहा है, देखते हैं. वाह, गूगल पे लिखा हुआ है 10 बजे बंद होता है, और ये कह रहे हैं हमने 9 बजे बंद कर दिया. सैटरडे नाइट इंजॉय करनी होगी इनको. दूसरा कोई देख लेते हैं, और भी थे भाई. फाइनली अब एक रेस्टोरेंट मिला, एंड गेस करो कौन सा. जब मैं पिछली बार और खाना आया था, जहाँ खाना खाया था वहीं पर फिर से चॉइस ऑफ इंडिया हो रहा सामने. एक तो यहाँ पार्किंग ढूंढते ढूंढते 15 मिनट वेस्ट हो गए, पार्किंग के इतने लोचे हैं यहाँ पे. ओह फाइनली थोड़ी पेट पूजा करी जाए. इंडियन लोग बैठ. तो अभी एक्चुअली यहाँ पे भी काफ़ी लेट हो गए, तो उन्होंने
भैया बड़े अच्छे थे अंदर, उन्होंने बोला कि मैं पैक करके दे देता हूँ, यूटेंसिल्स वगैरह सब दे देता हूँ, वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे जब तक खाना आएगा और हम बैठ के खाएंगे तो 10 बज जाएंगे एंड इट्स ऑलरेडी 9:45। तो वो फिर पैक करके दे रहे हैं और हम एयरबीएनबी में जाके फिर खाएंगे। फाइनली ऑर्डर हो गया प्रिपेयर, अब निकलते हैं एयरबीएनबी की तरफ। फाइनली रीच एयरबीएनबी, पहले ये मेन गेट का कोड होगा। ओह आराम से। ओह कौन सा वाला अपना? खुल गया भाई। ओ भाई डुप्लेक्स। भाई क्या है? लाइट जलाइयो। ये तो शुरू होते खत्म हो गया फिर से। कितनी चीजें शुरू होते खत्म हो जाएंगी हमारी। वाह। बाथरूम कैसे सोने वाले? अच्छा वो इधर भी है। ओ हाँ एक ऊपर ये रहा और एक सोफा कम बेड है, तो ये था सोफा कम बेड पे दो लोग, ऊपर दो लोग, ऊपर एक, वहाँ ऊपर एक। But you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you meant to. तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 एंड एयरबीएनबी आपने देख ही लिया होगा, तो सोने जाता हूँ एंड सुबह मिलता हूँ। विल हेड आउट फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो फॉर द मल्टनोमा फॉल्स हाइक, विच इज़ अ मॉडरेट हाइक अकॉर्डिंग टू मी। कौन से वाईफाई का? यही है जो वाईफाई है यहाँ पे। फाइनली ट्रैकिंग करके मैं अपने बेड तक पहुँच गया। तेरा आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा।